नमस्कार दोस्तों, मैं भीम बासवर, प्रेसिडेंट और सफाई कर्मचारी जाति स्टूडेंट यूनियन। सबसे पहले क्लास 10th और 12th के उन सभी स्टूडेंट को शुभकामनाएं देता हूं जिनके रिजल्ट अच्छे हुए, और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम्स अच्छा नहीं हुआ है मैं उनको यही कहूंगा कि अच्छे से मेहनत करें और आने वाले साल में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाएं। पर जब पढ़ाई की बात होती है तो मुझे अपने दिन याद आती है जब मैं क्लास 10th में सबसे ज़्यादा परसेंटेज स्टेट्स में लाया था, अपने सफाई कर्मी जातियों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेरा उस साल था। और उसके बदलत मुझे क्लास 11 12 में साइंस पढ़ने को मौका मिला और बाद में इंजीनियरिंग मुझे पूरा फ्री में पढ़ाई मिला, स्कॉलरशिप भी मिला, क्योंकि मैं ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम पास भी किया था। तो पढ़ाई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आज पढ़ाई की वजह से मैं जो संगठन में काम कर रहा हूँ, मैं अपने जाति के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ और कोई भी ऑफिसर मेरे साथ गलत तरीके से बात नहीं कर पाता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा अधिकार क्या है। तो पढ़ाई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे समाज में, और मैं चाहूँ कि हमारे सभी जो हमारे जाति के लड़के हैं लड़कियाँ हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, और नौकरी के लिए ना पढ़े, पढ़े अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। पिछले रविवार को मुझे कुछ अच्छे खबरें मिले थे, लेकिन मैं उस रविवार को मैं बिजी था क्योंकि कोकराझार में ऑल बोडोलैंड में जितने भी हमारे सफाई कर्मी समाज है, कमेटियाँ हैं, उनको लेके एक ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, जिस पे हमने एक निर्णय लिया कि बोडोलैंड में सभी संगठन को मिल के आगे जाके काम करना है, क्योंकि कुछ गलतफहमियाँ आ जाती हैं और असम में ये गलतफहमियाँ हैं, क्योंकि जब से मैं काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल में, तो लोगों के अंदर एक बात है कि कुछ मेरे पॉपुलरिटी को लेके भी लोगों में एक हिंसा आ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि और असम में जितने भी संगठन हैं वो मुझको लेके हिंसा ना करके वो जाति के लिए मेरे साथ मिलकर काम करें, और हम स्टूडेंट यूनियन तो हमारा काम करने का तरीका अलग ही होगा। और सिर्फ आप कोई भी संगठन जाके CM को अगर मेमोरेंडम दे दे, लेटर दे दे, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। और स्टूडेंट यूनियन इसलिए जगह जगह टाउन डिस्ट्रिक्ट पहुँच पहुँच के ग्राउंड में काम करता है, और नेता मंत्रियों से तो मिलता ही है, तो हर तरीके से हम प्रेशर क्रिएट कराते हैं मीडियम के माध्यम से। तो अब वो जो खुशखबरी है वो ये है कि जोरहाट में जब मैं पिछले महीना पहुँचा था, तो मैं वहाँ पर हमने बात किया था कि वहाँ के बिल्डिंग्स को लेकर, वहाँ के कॉलोनीज़ को लेकर, और अभी पिछले रविवार को गोपाल के नेतृत्व में, गोपाल के लीडरशिप में वहाँ MLA पहुँचे उस कॉलोनी में, और वहाँ बिल्डिंग बनाने की बात हुई अच्छे से, और वहाँ के कॉलोनी की जितनी भी समस्याएं साफ़ सफाई को लेके सभी बातें MLA के साथ हुई है, वो वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि पूरा असम में मेरा जो घूमने का कारण ये है कि मैं अच्छे से लीडर को खड़ा करूँ, और वो लीडर ही असम को बदल सकते हैं, जिस तरह हमें गोपाल मिले हैं जोरहाट से, और हमें सिंटू मिले हैं गुवाहाटी से, ऐसे लड़कों की काफ़ी ज़रूरत है। तो MLA के आने की वजह से वहाँ के लोगों में उत्साह बढ़ा है और जोरहाट में काफ़ी काम होगा। दूसरा खुशखबरी ये है दोस्तों कि हमारे रंगापाड़ा में पिछले महीने मैं गया था, और वहाँ पे चेयरमैन के साथ में मिला था, बाद मुझे रंगापाड़ा में बुलाएगा, मुझे पारस जी ने बुलाया था, मुझे मिठू जी ने बुलाया था, सूरज जी ने बुलाया था, सोनू जी ने बुलाया था, और जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ की समस्याओं को मैंने वहाँ के चेयरमैन के साथ रखा, कल शाम को एक मीटिंग भी किया और बाद में मीडिया में भी कहा। तो आज एक महीने बाद ये हुआ है दोस्तों कि उनका रंगापाड़ा में 1 साल का जो एरिया का पैसा था वो उन्हें मिला है, 3 महीने का सैलरी भी उनको मिल गया जो उनका पेंडिंग था, और जिस तरह से मैंने कहा था 6 महीने के अंदर ये सब काम होगा, तो 1 महीने में काम हो चुका है, और बचा काम है वहाँ माटी दिलाने का ऑर्डर। तो माटी के लिए भी मैं वहाँ जल्द फिर पहुँचूँगा, फिर माटी के लिए बात करूँगा, और मैंने वहाँ कहा भी है कि रंगापाड़ा को माटी मिलना चाहिए, ज़मीन मिलना चाहिए। तो ये 2 खबरें थे रंगापाड़ा को लेके और जोरहाट को लेके, और साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जोरहाट डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से 10 तारीख से 17 तारीख तक वहाँ पे युवाओं के लिए बहुत सारे कंपटीशन रखा गया है, जिसका फाइनल 17 तारीख को है जोरहाट में, और उस प्रोग्राम में मैं खुद रहूँगा। तो मैं आपको बस बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि जितने भी संगठन, चाहे वो असम के हो, बंगाल हो, तो आप सिर्फ मेमोरेंडम ना दें नेता मंत्रियों को, क्योंकि मेमोरेंडम लेते हैं फिर वो जमा हो जाता है, कहीं पर जमा हो जाता है, फिर वो कोई खोल के देखता है नहीं। मैं बस आपको यही कहूँगा कि आप ग्राउंड में काम करिए, ज़मीन पे पहुँचिए, जिस तरह हमने गुवाहाटी में 30 गांव के लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए घर के लिए हमने ऑर्डर निकाला, उस तरह से हमें काम करना पड़ेगा, हमको प्रेशर ग्राउंड में बनाना पड़ेगा। और मेरा विचार है कि आज मैं जो कर रहा हूँ उससे बाकी संगठनों को हिंसा नहीं रखना चाहिए या गलतफहमी नहीं रखना चाहिए, मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि एक पॉपुलरिटी एक अलग हो जाता है, तो उस पॉपुलरिटी की वजह से, मान लीजिए आज अगर मेरा नाम हर जगह आता है, तो उसे बाकी संगठनों को बुरा नहीं पाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका भी नाम हो, तो आपको काम करना पड़ेगा, काम से ही काम को जवाब दे सकते हैं, ऐसे अपने ही जाति में अगर हिंसा रहेगा, गलतफहमी रहेगा, तो हम सरकार से कैसे लड़ेंगे। इसीलिए मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि एकता भी रहना चाहिए, और जोरहाट में MLA के बाद मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि अब वहाँ काम बनेंगे जैसे मैंने कहा था, और आने वाले समय में डिब्रूगढ़ आने वाला हूँ, क्योंकि डिब्रूगढ़ में काफ़ी समस्या है, और पिछले बार भी मैं गया था, लेकिन मेरे आने के बाद वहाँ के लोगों ने कोई काम नहीं किया, तो इस बार मैं डिब्रूगढ़ में रह के काम करना चाहूँगा, कि वहाँ जो भी बातें हैं वहाँ मैं रह के डिब्रूगढ़ में काम करना चाहूँगा 3-4 दिन।